हेलो बच्चों, हाउ यू ऑल। आई होप ऑल आर फिट एंड फाइन। मैं हूं आपका अपना रोहितास राजपाल गिंटाला। एंड एज वी ऑल नो दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड टिल आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एंड आज बच्चों हमें सॉल्व करने हैं इंडेक्स क्वेश्चन 3.7 टू 3.9। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इंडेक्स क्वेश्चन 3.7, दैट इज व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डायल्यूशन। व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज विद डायल्यूशन। तो बच्चों ये जो पॉइंट है, ये जो क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस कर रखी है जब हमने बात की थी कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। वहां पर बच्चों एक टॉपिक था, दैट इज इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन कंडक्टेंस कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। वहां पर बच्चों हमने डिटेल में बात की थी दैट ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेस। आप उस क्लास को एक बार फिर से विजिट कर सकते हैं, आप उसको फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं जहां पर हमने ये डिटेल डिस्कशन कर रखी है। यहां पर कॉर्नर में बच्चों आपको एक आई बटन दिख रहा होगा। By clicking the I button, you can visit the class once again and have a thorough revision for the same point. Clear? यहाँ पर एक बार फिर से हम ब्रीफिंग कर लेते हैं उस बात की, एक बार फिर से बच्चों ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि डायल्यूशन इंक्रीज करने पे जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज क्यों हो रही है। हमने डिटेल में बात की थी बच्चों कि जब हम डायल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो सॉल्यूशन की जो तीन प्रॉपर्टीज हमने बात की थी, वन इज द कंडक्टेंस, अनदर वन इज द कंडक्टिविटी एंड थर्ड वन इज द मोलर कंडक्टिविटी। और हमने ये बात की थी बच्चों कि जब हम डायल्यूशन इंक्रीज करेंगे, तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी डिक्रीजेज एंड दैट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। क्लियर? ये बातें हमने डिटेल में डिस्कस कर रखी है बच्चों, इसके रीजन भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। एक बार ब्रीफिंग करते हैं। कंडक्टेंस बच्चों इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस। कंडक्टिविटी की बात हम करें तो कंडक्टिविटी होती है डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। एंड मोलर कंडक्टिविटी बच्चों इंक्रीज हो रही थी ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम विच कंटेन वन मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बच्चों रीजंस थे वहां पर ड्यू टू चेंजेस इन दीज थ्री प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन ये है कि डायल्यूशन इंक्रीज करने पे कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज क्यों होती है, इसकी एक बार बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, जिसका वॉल्यूम है बच्चों 1 लीटर, हमने कोई सॉल्यूशन ले रखा है किसी इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहां पर जिस टाइप की कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं वो किस टाइप का कंडक्शन है, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। हमने दो टाइप की कंडक्शन की बात की थी बच्चों, वन इज द इलेक्ट्रॉनिक, अनदर वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक। और हमने बात की थी इन द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस वाया इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस वाया आयंस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर कंडक्शन किसके थ्रू होगा, यहां पर कंडक्शन होगा थ्रू आयंस। इट मींस जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे कंडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? अब यहां पर बात पूछी गई है बच्चों अबाउट द कंडक्टिविटी, और हमने डिस्कस कर रखा है कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कंडक्टिविटी, यानी कि यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी बच्चों वही क्या आएगी अपने आप में, वही है कंडक्टिविटी। इट मींस एक यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। और यहां पर हम यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। हमने यहां पर एग्जांपल लिया है 1 लीटर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का। हम मान लें यहां पर कि इस 1 लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 100 नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है बच्चों। यहां पर कितने आयंस प्रेजेंट है, 100 नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। इट मींस इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी 100 नंबर ऑफ आयंस पे। वो किसके थ्रू होगी, वो होगी इन 100 नंबर ऑफ आयंस के थ्रू। क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। हमने सॉल्यूशन कर दिया बच्चों डाइल्यूट, और डाइल्यूट करके इसका वॉल्यूम कर दिया हमने 2 लीटर।
अब जब हमने 2 लीटर वॉल्यूम कर दिया इसका, जब हमने सॉल्यूशन को डायल्यूट कर दिया बच्चों, तो हमें पता है कि ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेज। इट मीन्स जब हम सॉल्यूशन को डायल्यूट करते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ आयंस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट नंबर ऑफ आयंस उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज नहीं होते, इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे जिस प्रोपोर्शन में हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया है। इट मींस यदि यहां पर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 100 नंबर ऑफ आयंस हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि यहां पर 200 आयंस हो जाएंगे, क्लियर। इससे स्लाइटली ज्यादा होंगे, 1 लीटर ऑफ जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो आयंस हैं इनसे ज्यादा होंगे बच्चों, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो 2 टाइम्स हो जाएंगे। हम मान ले यहां पर जो नंबर ऑफ आयंस हो गए वो 160 आयंस हो गए बच्चों, कितने हम मान के चल रहे हैं कि नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, वो हो गए 160 आयंस, क्लियर। पहले 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 100 आयंस थे बच्चों, अब 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 160 आयंस है। तो इनके कंडक्टेंस की बात की जाए तो कंडक्टेंस तो इंक्रीज हो रही है बच्चों, बिकॉज कंडक्टेंस होल सॉल्यूशन की होती है। यहां पर कंडक्टेंस ड्यू टू 100 आयंस है, यहां पर कंडक्टेंस ड्यू टू 160 आयंस है, तो कंडक्टेंस तो क्या हो रही है, इंक्रीज। बट हमें किसकी बात करनी है, हमें यहां पर बात करनी है कंडक्टिविटी की, और हमें पता है बच्चों कंडक्टिविटी होती है यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 160 आयंस है, तो इट मींस वी कैन से कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने आयंस होंगे, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 80 नंबर ऑफ आयंस होंगे बच्चों। यानी इस सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इस सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे बच्चों, 80 नंबर ऑफ आयंस होंगे। पहले जब बात की जाए बिफोर डायल्यूशन पर लीटर 100 नंबर ऑफ आयंस थे, एंड आफ्टर द डायल्यूशन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 80 नंबर ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। इट मींस वी कैन से दैट ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, हेंस द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑल्सो डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन। सो दैट्स द रीजन ऑफ डिक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग द डायल्यूशन, क्लियर। दैट्स द इंडेक्स क्वेश्चन 3.7। ओके, अब बात करते हैं बच्चों इंडेक्स क्वेश्चन 3.8, दैट इज सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। सजेस्ट अ वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर, हमसे पूछा गया बच्चों कि हम वाटर की लैम्डा एम नॉट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे लैम्डा नॉट H2O, यानी लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। अब बच्चों हमें पता है कि लैम्डा एम नॉट का मतलब क्या होता है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड लैम्डा एम नॉट स्टैंड्स फॉर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी बच्चों यहां पर हमें फाइंड आउट करनी है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अब हमें यह भी पता है बच्चों दैट वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं तो एक ही नाम आता है हमारे पास, दैट इज कोलराउस लो। And there was an application of Kohlrausch law to determine the limiting molar conductivity of weak electrolyte. यानी हमें weak electrolyte की जब limiting molar conductivity find out करनी होती है बच्चों, तो हम किसकी help लेते हैं, हम help लेते हैं Kohlrausch law की। तो बच्चों यहां पर जब हम Kohlrausch law apply करेंगे तो हमें पता है बच्चों according to Kohlrausch law the limiting molar conductivity of any electrolyte is equal to the sum of the limiting molar conductivity of the cation and anion of the electrolyte। यानी बच्चों जो वाटर एज एन इलेक्ट्रोलाइट हम लेके चलें तो वाटर की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो किसके इक्वल होगी, वो H+ और OH- नेगेटिव आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल होगी, क्लियर। अब यहां पर जो ये जो वे था बच्चों डिटरमाइन करने का, हमें पता है यहां पर जो ये आयंस होंगे इन आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कहां से फाइंड आउट करते हैं, इनकी मोलर कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट करते हैं इनके किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, हम इनकी वैल्यूज लेके आते हैं बच्चों। अब यहां पर H+ का कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देंगे बच्चों हम, और OH नेगेटिव आयंस का भी हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहां पर लेके चलेंगे। अब H+ का यदि हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हम बात कर सकते हैं HCl की, वहां पर आपको H आयंस भी मिलेंगे, और OH नेगेटिव के किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो हम बात कर सकते हैं बच्चों NaOH की, वहां पर आपको OH नेगेटिव आयंस भी मिलेंगे। तो बच्चों जो लैम्डा नॉट HCl है वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द लैम्डा नॉट H+ प्लस लैम्डा नॉट Cl नेगेटिव, और जो लैम्डा नॉट NaOH है बच्चों वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा नॉट Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट OH नेगेटिव के सम के इक्वल होगी बच्चों। अब यदि हम इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज का सम करते हैं बच्चों, तो इन दोनों आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज का सम अपने आप हो जाएगा। बट यहां पर
ये दो एडिशनल वैल्यू मिल रही है हमें, वन इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड वन इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इट मींस यहां से इस समेशन में से बच्चों हमें इन दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमें कहां से मिलेगी, वो हमें उस इलेक्ट्रोलाइट से मिलेगी जो इन दोनों आयन से मिलकर बना होगा। तो इन दोनों आयन्स के मिलाकर बच्चों यदि हम इलेक्ट्रोलाइट बनाएं, दैट इज सोडियम क्लोराइड, दैट विल बी द सोडियम क्लोराइड। तो इसकी जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। क्लियर? अब यहां पर बच्चों इसको इक्वेशन वन ले लें हम, इसको इक्वेशन टू मान लें, दैट इज इक्वेशन थ्री एंड दैट इज इक्वेशन फोर। क्लियर? अब यहां से बच्चों हमें पता है कि हमें इन दोनों का समेशन चाहिए, तो ये दोनों का समेशन बच्चों इन दोनों इक्वेशन से मिलेगा आपको। जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो यहाँ H प्लस और OH नेगेटिव का क्या मिल जाएगा आपको, इन दोनों का समेशन मिल जाएगा। बट हमें पता है यहाँ पर ये दो वैल्यूज एडिशनल आ रही है, इट मींस इन दोनों वैल्यूज को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और इन दोनों वैल्यूज कहाँ प्रेजेंट है, ये दोनों वैल्यूज प्रेजेंट है इक्वेशन नंबर फोर में। इट मींस बच्चों हमें इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री को प्लस करना है और उसके समेशन में से इक्वेशन फोर में क्या करनी है, माइनस करनी है। इट मींस वी कैन से दैट इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री माइनस इक्वेशन फोर। क्लियर? कुछ ये ऑपरेशन बच्चों हम यहां पर करते हैं। तो इक्वेशन टू एंड थ्री का जब हम सम करेंगे बच्चों, इक्वेशन टू एंड थ्री का जब हम सम करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड यदि हम देखें इनकी, तो इक्वेशन टू की लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों लैम्डा नोट एच सी एल प्लस इक्वेशन थ्री की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज लैम्डा नोट एन एच। तो इन दोनों के समेशन में बच्चों में इक्वेशन फोर माइनस करनी है, तो इक्वेशन फोर की जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज लैम्डा नॉट एनएसीएल इक्वल टू इनकी राइट हैंड साइड, इक्वेशन टू की राइट हैंड साइड है बच्चों लैम्डा नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा नॉट सीएल नेगेटिव। इक्वेशन टू है बच्चों, इसमें इक्वेशन थ्री एड करनी है, उसकी जो राइट हैंड साइड है दैट इज लैम्डा नॉट एनए पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट OH नेगेटिव। ये इक्वेशन थ्री आ गई बच्चों, इसमें हमें इक्वेशन फोर माइनस करनी है, दैट इज लैम्डा नोट एन ए पॉजिटिव माइनस लैम्डा नोट सी एल नेगेटिव। क्लियर? इक्वेशन बच्चों हमें कुछ ये मिल गई। अब यहां पर हम देखें दैट इज कि ये आपका लैम्डा एन ए पॉजिटिव प्लस साइन के साथ है और ये लैम्डा एन ए पॉजिटिव माइनस साइन के साथ है। इट मीन्स ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एंड सिमिलरली ये लैम्डा सी एल नेगेटिव प्लस साइन के साथ है और ये लैम्डा नॉट सी एल नेगेटिव नेगेटिव साइन के साथ है। इट मीन्स ये भी एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, ये दो बच जाएंगे। इट मीन्स वी कैन से दैट इसको यदि हम सॉल्व करें, दैट इज लैम्डा नॉट एच सी एल प्लस लैम्डा नॉट एन ए ओ एच माइनस लैम्डा नॉट एन ए सी एल, ये किसके इक्वल आएगा बच्चों, ये इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, दैट इज लैम्डा नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा नॉट ओ एच नेगेटिव आयन। और ये होगी बच्चों इक्वेशन नंबर फाइव। अब यहां पर हम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन फाइव को यदि हम गौर से देखें बच्चों, तो इक्वेशन वन की जो राइट हैंड साइड है एंड इक्वेशन फाइव की जो राइट हैंड साइड है बोथ आर इक्वल्स, दोनों इक्वल है बच्चों। यहां पर भी जो राइट हैंड साइड है वो लैम्डा नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा नॉट ओ एच नेगेटिव है और यहां पर भी जो राइट हैंड साइड है दैट इज लैम्डा नॉट एच प्लस प्लस लैम्डा नॉट ओ एच नेगेटिव आयंस। इट मीन्स अब इक्वेशन वन एंड फाइव की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। सो वी कैन से दैट लैम्डा नोट एच टू विल बी इक्वल टू लैम्डा नोट एच सी एल प्लस लैम्डा नोट एन ए ओच माइनस लैम्डा नोट एन ए सी एल। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हम वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वन इज द HCl, अनदर वन इज द NaOH एंड NaCl। क्लियर? सो दैट्स द वे टू डिटरमाइन द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वाटर। इस तरह से बच्चों हम वाटर की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब बात करें बच्चों द इंटेक्स्ट क्वेश्चन 3.9, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स
मैथनोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. गिवन है बच्चों आपको लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस, दैट इज 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मेट आयन, दैट इज 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. यानी बच्चों हमें गिवन डेटा है, यहां पर हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें गिवन है बच्चों, गिवन की हम बात करें तो यहां पर हमें मोलरिटी गिवन है सॉल्यूशन की, दैट इज 0.025 मोल लीटर इनवर्स. हमें गिवन है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैथनोइक एसिड, दैट इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. हमें गिवन है बच्चों लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस, दैट इज 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड हमें गिवन है बच्चों लैम्डा नॉट ऑफ फॉर्मेट आयन, दैट इज 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. और हमसे पूछा गया बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज के सी. क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन बच्चों. यानी हमें इस क्वेश्चन में चार वैल्यूज गिवन है बच्चों, वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 0.025, वन इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और हमें गिवन है बच्चों द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एच प्लस दैट इज 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ फॉर्मेट आयन दैट इज 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. एंड विद द हेल्प ऑफ दीज four values we have to determine the value of degree of dissociation and its dissociation constant. तो बच्चों याद करो जब हमने कोलराउस लॉ की डिस्कस की थी वहां पर हमने तीन एप्लीकेशंस की बात की थी. वन इज द टू फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड फाइनली टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. क्लियर, ये तीन एप्लीकेशन बच्चों वहां पर बात की थी, और यहां पर इस क्वेश्चन में इन तीनों एप्लीकेशन का यूज होना है वन बाय वन. तो बच्चों हमसे दो बातें पूछी गई है, वन इज द अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. अब सबसे पहले बात करेंगे बच्चों द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज पार्ट ए, दैट इज टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ dissociation represented as the alpha. तो degree of dissociation की जब हम बात करें बच्चों तो याद करो there was a second application of Kolmogorov's law to determine the degree of dissociation for a weak electrolyte, और वहां पर बच्चों ने एक formula design किया था that is alpha equals to lambda mc upon lambda m naught. alpha equals to lambda mc upon lambda m naught. यहां पर बच्चों जो lambda mc है that represents the molar conductivity of electrolyte at concentration c, and lambda m naught is the limiting molar conductivity. ये बच्चों molar conductivity at any concentration, ये आपकी limiting molar conductivity. अब यहां पर बच्चों जो lambda mc है that is the molar conductivity of any electrolyte at any concentration, वो तो हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों that is 46.1 किस कंसंट्रेशन पे 0.025 कंसंट्रेशन पे, जिस कंसंट्रेशन पे हमें बात करनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की. यानी लैम्डा एम सी बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है 46.1, बट लैम्डा एम नॉट आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है. हमें गिवन है द वैल्यूज ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ एच प्लस एंड दैट ऑफ द फॉर्मेट आयन. एंड हमें पता है बच्चों यदि हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट की आयन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यूज पता है तो हम विद द हेल्प ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द आयन्स वी कैन इजिली फाइंड आउट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट. और यहां पर बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर द फॉर्मिक एसिड. और हमें पता है बच्चों अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की वो उसके इंडिविजुअल आयन्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल होती है. इट मींस लैम्डा नॉट एच सी ओ एच विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एच आयन एंड दैट ऑफ द
HCOO नेगेटिव आयन, क्लियर। अब हमें लैम्डा नोट एच प्लस बच्चों गिवन है क्वेश्चन में, और हमें लैम्डा नोट फॉर्मेट आयन भी क्वेश्चन में गिवन है। लैम्डा नोट एच प्लस की बच्चों वैल्यू गिवन है 349.6 एंड लैम्डा नोट फॉर्मेट गिवन हमें 54.6। तो बच्चों जब हम इन दोनों का समेशन करेंगे, दैट इज 349.6 प्लस 54.6, तो इनका जो समेशन आएगा बच्चों दैट विल बी 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू मिल गई बच्चों आपको, ये किसकी वैल्यू मिल गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द फॉर्मिक एसिड। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं बच्चों, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा एम सी बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 46.1। तो जब हम ये वैल्यू पुट करें 46.1 एंड लैम्डा एम नॉट बच्चों में अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 404.2। तो बच्चों जब 46.1 को आप 404.2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी आपको दैट विल बी 0.114, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आ गई बच्चों वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द फॉर्मिक एसिड एट कंसंट्रेशन 0.025 मोल लीटर इनवर्स, क्लियर। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब हम बात करें बच्चों द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ केसी, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ केसी, दैट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। तो बच्चों उसी क्लास में जब हम एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ डिस्कस कर रहे थे, वहां पर जो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ थी, दैट वाज द टू डिटरमाइन द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, और वहां पर भी हमने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, दैट इज केसी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब यहां पर जो C है बच्चों दैट इज द कंसंट्रेशन, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.025। तो C की वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों 0.025 इनटू अल्फा हमने अभी फाइंड आउट किया बच्चों, दैट इज 0.114। तो इसके स्क्वायर की जब हम बात करेंगे तो 0.114 इनटू 0.114, और इसको डिवाइड करेंगे बच्चों हम 1 माइनस अल्फा, दैट इज 1 माइनस 0.114 से। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, इस हिसाब किताब को जब आप सॉल्व करोगे कंप्लीटली, तो जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 3.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, 3.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट विल बी द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। तो ये हुआ बच्चों आपका इंडेक्स क्वेश्चन 3.9, जहां पर हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, वन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अनदर वन इज द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.114 एंड द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज द 3.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 0.114 एंड द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इज 3.67 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। सो दैट इज द इंडेक्स क्वेश्चन 3.9। तो आज की इस क्लास को बच्चों हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में जहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ, क्लियर। सो विद दीज वर्ड्स हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।